हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी हेल्दी साइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर रेसिपी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं घिया की सब्जी। घिया को लौकी भी बोलते हैं और मराठी में दूधी भी बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये हमारे पास घिया है कटा हुआ और छिला हुआ, हमने इसको धोकर छील दिया और काट दिया। ये हमारे पास एक अनियन है, अनियन हमने छील दिया और धोकर उसको काट रखा है। और दो ग्रीन चिली चाहिए हमको, ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो, क्योंकि जिन लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रहता है वो नॉर्मली खाना खाते हैं, ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी नहीं खाते हैं। और इसके लिए हमें ये जीरा सीड्स चाहिए और रेड चिल्ली पाउडर चाहिए दो पिंच, और दो पिंच हमको हल्दी पाउडर चाहिए, और नमक हमको स्वाद अनुसार चाहिए। तो आइए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हमने इसको बनाने के लिए कुकर रख दिया है गैस पे, और इसमें हमने दो छोटे चम्मच ऑयल डाला है, इसको हम रिफाइंड बोलते हैं। रिफाइंड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए या फिर जो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है, अभी हमारा ऑयल गर्म होने लगा है, गर्म हो गया है तो इसमें हमने जीरा सीड्स डाला है। अगर आपको पाचन की थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर सकते हैं, तड़का लगाते समय आप हींग डाल दीजिए, ऑलमोस्ट वन पिंच। अभी हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को हमको तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन हो जाए, लाइक लाइट ब्राउन या फिर हल्के भूरे रंग का। ये देखिए अभी हमारे अनियन भून रहा है। इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये सब्जी 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। ये देखिए हमारा प्याज भूनकर रेडी है। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, जैसे हमने बोला था टू पिंच हमने हल्दी डाला है और टू पिंच हमने रेड चिल्ली डाला है, और इसमें थोड़ा सा वन पिंच हमने धनिया पाउडर डाला है। अभी हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, जितना आप खाते हो, कोई सदस्य कम खाते हैं या फिर कोई ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करें। नमक अगर कम ही खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो सबकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हमने इसमें हेल्थ को देखते हुए घी बहुत ही कम डाला है, यानी ऑयल या फिर रिफाइंड जो भी आप बोलते हैं, ये हमने बहुत कम डाला है, सिर्फ अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। अभी हम इसमें घी ऐड कर देंगे। ये देखिए अभी हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। देखने में ये ऐसा लगेगा, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा, बिकॉज आज की डेट में सब सदस्य अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो हेल्थ को देखते हुए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अभी हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। अगर आपको ग्रेवी वाली खानी है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, अगर आपको सूखा खाना है तो आप सूखी वाली बना सकते हैं। हमने इसमें मीडियम पानी डाला है क्योंकि घिया ऑलरेडी पानी छोड़ती है, तो अभी हम इसको सीटी लगाने के लिए रख देंगे। ये देखिए कुकर को हमने अभी बंद कर दिया है। अब इसमें हमको ऑलमोस्ट 3 सीटी आ जाएंगी, तो आप इसको बंद कर देना। इसमें 3 सीटी आकर तैयार हो चुकी हैं, अभी हम इसको खोल लेते हैं। अभी हम कुकर खोल कर देखेंगे कि हमारी सब्जी रेडी हुई या नहीं। ये देखिए अभी हमारी सब्जी बनकर रेडी है। अगर आपको ज़्यादा गला, कई लोग ज़्यादा गला हुआ पसंद करते हैं, या कई लोग थोड़ा हल्का सा खड़ा खड़ा पसंद करते हैं, मतलब जब सब्जी का पीस मुंह में आए तो चबना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने मीडियम बनाई है, ना ही तो खड़ा हुआ है ना ही ज़्यादा गला हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें और ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए अभी हमारी ये सब्जी बनकर तैयार है। अभी ये देखिए हमने थोड़ा सा इसको सब्जी को पका लिया है, ये पककर तैयार है। अभी स्वाद बढ़ाने के लिए जो 2 ग्रीन चिल्ली थी हमने वो इसमें ऐड कर दी है, जस्ट मोमेंट के लिए पकाना है, ताकि जो ग्रीन चिल्ली हमने डाली है इसका स्वाद इसमें आ जाए। ये देखिए अभी हमारी सब्जी बनकर रेडी है,
अभी खाने के लिए ये तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको खाने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। यह सब्जी हमने वन पर्सन के लिए बनाई है। जो सदस्य सब्जी कम खाते हैं वो टू पर्सन भी खा सकते हैं, अदरवाइज ये सब्जी ओनली फॉर वन पर्सन। ये देखिए हमारी बिल्कुल हेल्दी सब्जी, नॉन स्पाइसी नॉन ऑयली बनकर रेडी है। अब आप इसको किसी भी चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे नाचनी की चपाती हो या फिर गेहूं की चपाती हो, जो भी चपाती आपकी पसंद हो आप उसके साथ ये खा सकते हैं। किसी भी चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे